गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी सेफ एंड फाइन एट योर होम। स्टूडेंट, हम अपने अर्लियर वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो जर्मनी है उसका यूनिफिकेशन हुआ, और जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो ओटोमन विस्फाक थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और इसी तरीके से जो इटली था, इटली 19th सेंचुरी में 7 स्टेट में बटा हुआ था, और जो काबूर थे उन्होंने इटली का यूनिफिकेशन किया, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। किसके साथ मिलकर? ज्यूसेपी मेजिनी के साथ मिलकर। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ब्रिटेन का किस तरीके से यूनिफिकेशन किया गया। देन आज हम पढ़ेंगे विजुलाइजिंग द नेशन, एक जो नेशन है, नेशन की उसको एक किस तरीके से उसका विजुलाइजेशन किया गया, उसको विजुलाइजिंग किया गया, कल्पना की गई, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाइल इट इज ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट इन रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग फेस टू अ नेशन? यानी बेटा, किसी भी नेशन को एक जो उसको स्टैचू है, एक जो मूर्ति है, मूर्ति रूप देने की बजाय किसी शासन को जो किसी शासन है उसको मूर्ति या चित्र का रूप देना बहुत ज़्यादा आसान है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी जो शासन है उसको अगर हमें एक मूर्ति का रूप देना है, उस स्टैचू का रूप देना है, तो इट इज़ ईजी। बट अगर किसी नेशन को कोई मूर्ति का रूप देना है तो वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन। अब जो 18 और 19 सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने पर्सनाइफाइंग था, यानी एक इसको मानवीय रूप देना था, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से इसको हल कर लिया, बहुत ही आसानी से इसको हल कर लिया। उन्होंने इसको हल कैसे किया, यानी हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नेशन था उन्होंने इस देश को, इस कंट्री को एक इस प्रकार से इसको जो है रिप्रेजेंट किया कि जिस तरीके से इफ़ इट वर अ पर्सन, यानी वो कोई एक व्यक्ति हो, उन्होंने एक नेशन को एक व्यक्ति का ही रूप दे दिया। और उस समय क्या था, जो नेशन थे, नेशन वर देन पोर्ट्रेट अ फीमेल फिगर, जो नेशन थे उनको, नेशन को एक फीमेल जो फिगर के रूप में उनको रिप्रेजेंट किया गया। मतलब एक नेशन को किस तरीके से बता दिया गया कि ये एक फीमेल है, और देन उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया। द फीमेल फॉर्म डेट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर द पर्टिकुलर वूमेन इन रियल लाइफ, रेदर इट्स आउट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। यानी ये जो नेशन था, इस नेशन को एक व्यक्ति का रूप देते हुए उन्होंने जिस फीमेल को चुना था, मीन्स उनको जब उसको पर्सनिफाई किया था, यानी उसको जब एक किसी जो किसी ह्यूमन है उसका जो रूप दिया गया था, उसमें जब उन्होंने उस फीमेल को चुना, तो वो फीमेल जो थी वो असल मतलब किसी भी लाइफ, अगर हम उसको रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में कोई ख़ास लेडी नहीं थी। ये तो पूरा जो नेशन था उस नेशन के एक कैसे थॉट थे, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थे, ठीक है। मतलब कोई मूर्ति जिसके कोई ऐसे कोई उन्होंने एक उसको मूर्ति रूप में नहीं दिया था, ठीक है। उसको एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया थे उनको बहुत ठोस रूप उनको देने की कोशिश की गई थी। और डेट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एलिग्रोरी ऑफ द नेशन, और ये जो फीमेल फिगर थी, ये जो नेशन है, इस नेशन का ये एलिग्रोरी था वो बन गई थी, यानी एक उसका रूप बन गई थी। अब एलिग्रोरी क्या होता है बेटा, जब हम किसी भी जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं, मीन्स इंस्टेंस ग्रीड, लालच, फ्रीडम या जो लिबर्टी है, उनको किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के रूप में उनको दिखाया जाए, मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को एक ह्यूमन के रूप में दिखाते हैं, तो वो हमारा एलिग्रोरी कहलाता है। ओके, देन उसके बाद यू विल रिकॉल डेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिग्रोरी टू पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक। बेटा हम लोग जो ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उस टाइम में, जो
फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम में जो फीमेल थी, फीमेल एलेग्रो थी जो था, उसके उसी के किसको उसको किसके रूप में दिया प्रस्तुत किया गया था, उसको जो लिबर्टी थी, जस्टिस था या जो रिपब्लिक था, उसको भी एक फीमेल फिगर के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया गया था। और दीज आइडल वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिंबल्स, और ये जो आइडियाज़ थे इनको एक किसी भी जो स्पेसिफिक जो थिंग्स थी, स्पेसिफिक थॉट या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या जो सिंबल थे उन उनसे उनको जो है रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, एक कुछ उनके अपने थॉट्स और जो सिंबल्स होते थे उनको उसके द्वारा प्रेजेंट किया गया। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो स्टेज जो लिबर्टी है, एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी जो थे वो क्या होते थे, यानी जो लिबर्टी स्वतंत्रता लिबर्टी के जो प्रतीक होते थे वो रेड कलर की टोपी, जूझी हुई जो टूटी हुई एक चेन है, और जो इंसाफ के तौर पर एक लेडी जो दिखाई गई है। ठीक है, जनरली हम जिसको जस्टिस जो जस्टिस के लिए लेडी होती है ब्लाइंड फोल्डेड, जिसको क्या होता है जिसकी आंखों पर एक पट्टी होती है और उसने हाथ में एक पेयर ऑफ वेटिंग स्केल लिया हुआ है, मीन्स तराजू लिया हुआ है, इस तरह की हम उसको दिखाया गया था। ठीक है, यानी जो बेटा लिबर्टी का क्या मीन होता है, रेड कलर की टोपी, आप ये 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंबल ऑफ लिबर्टी थे उसमें रेड कलर की टोपी और ब्रोकन चैन, ये दोनों ही हमारी जो है लिबर्टी की सिंबल होते हैं। देन उसके बाद जो हम जस्टिस है, जस्टिस को किस तरीके से देखते हैं, आप सब देखते ही होंगे बेटा कि जस्टिस जो है न्याय की जो देवी है उनको किस तरीके से दिखाया गया है कि उनकी आंखों पर पट्टी और हाथ में वो तराजू लिए हुए हैं। देन सिमिलर फीमेल एलेग्रोरीज वर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन, और इसी तरीके की जो फीमेल एलेग्रोरीज थी वो किस रूप में थी, उनका भी 19th सेंचुरी में जो आर्टिस्ट थे उन लोगों ने इन्वेंट किया था उनको, और फ्रांस में उसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी वो, जो लोग उस टाइम में फ्रांस में उसे बहुत ज़्यादा लोकप्रियता किस तरीके से मिली, जो क्रिश्चियन जो थे, क्रिश्चियन नाम मारियान दिया गया था, मीन्स फ्रांस में फेमस वो किस तरीके से हुई जब उनको एक क्रिश्चियन नेम दिया गया, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम दिया गया, क्या नेम दिया गया था, मारियान। ओके, तो उसके बाद जिन्हें एक नेशन जो था पीपल नेशन, ठीक है, जिनको एक पीपल नेशन के थॉट्स के को उन्होंने थॉट्स को बताया था, ठीक है, अंडरलाइन किया था कि ये विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, जो जहाँ पर भी पीपल नेशन का जो आइडिया था उसको अंडरलाइन किया गया था। मारियान की जो स्टैचू थी वो कहाँ पर जगह जगह लगा दी गई, मीन्स जो उनकी स्टैचू थी उनको हर जगह लगा दिया गया, कहीं पर भी जैसे रोड पर या फिर जो चौक होते थे वहाँ पर लगाया गया, ताकि जो आम जनता जो थी वो आम जनता को यूनिटी के एक नेशनल सिंबल के रूप में वो दिखाई देती रहे और उनको याद आती रहे, और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसको वहाँ पर उनको स्थापित कर सकें, यानी जो यूनिटी थी उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। ये जो स्टैचू थी मारियान की, जो स्टैचू थी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इनकी जो यानी उनके कैरेक्टर उसे उसके चिन्ह भी लिबर्टी और रिपब्लिक के थे, जैसे कि रेड कलर की टोपी, उसके ऊपर क्या था ट्री कलर होता था, और कोकेट मतलब जो कलगी सर पर लगी हुई होती है वो थी। ठीक है, और इस तरह की स्टैचू को जगह जगह स्टैचू जो मारियान थी वर एरेक्ट इन पब्लिक स्क्वायर्स, जो पब्लिक जो चौक होते हैं वहाँ पर उनको लगा दिया गया, ताकि जो पीपल हैं, पीपल ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी, और सिंबल ऑफ यूनिटी को याद करते रहें और उनको वो स्थापित कर सकें। ठीक है, मारियानी इमेज वर मार्क्ड ऑन कॉइन एंड स्टैम्प, और जो उनकी इमेज थी उनको कॉइन और स्टैम्प पर भी उनको स्थापित जो है मार्क किया गया। इसी तरीके से जो जर्मेनिया है, जर्मेनिया जर्मनी नेशन का एक एलिग्रेसी बन गई, जर्मेनिया बिकम द एलिग्रोरी ऑफ द जर्मन नेशन। ठीक है, जर्मेनिया भी एक क्या है बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं जो जर्मेनिया है, इट इज़ द स्टैचू ऑफ द जर्मेनिया
यहाँ पर जर्मेनिया की स्टैचू दिखाई गई है, और ये जो आर्टिस्ट है किस आर्टिस्ट ने बनाई है, फ्लिप वेट ने बनाई है, और उन्होंने जर्मेनिया के इस चित्र को एक उनके हैंड में क्या था कॉटन का जो है कॉटन बैनर पर बनाया है, क्योंकि इसे वो सेंट पॉल जो चर्च था उसकी छत पर उनको लटकाना था, जहाँ वो मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर जो बुलाई गई थी, यानी फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट जब बुलाई गई थी सेंट पॉल चर्च में, तो वहाँ पर उनको लगाना था। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह की ये जर्मेनिया की पिक्चर बनाई। देन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। अब इसमें क्या था जो अपने जो उनके विजुअल थे, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, उनकी जो कल्पनाएं थी वो किस तरीके से उनकी, उन्होंने जर्मेनिया को जो क्राउन बनाया वो ओक लीव्स का बनाया। ठीक है, ओक की जो लीव्स होती थी, एज जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, और क्योंकि जर्मन में जो था जो ओक जो था वो हीरोइज्म को, वो किसको, वीरता को, हीरोइज्म को वो रिप्रेजेंट करता था। बेटा आप को याद होगा, आप नाइन्थ में भी इस तरह के ये सिंबल्स पढ़ चुके हैं कि जो एट्रीब्यूट्स यहाँ दिखाए गए हैं, सिग्निफिकेंस मीन्स ब्रोकन चेन बीइंग फ्रेड, आज़ादी मिलना का जो आज़ादी मिलना है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। देन ब्रिज स्टेपल विद एगल, यानी जो बाज छाप वाला जो कवि कवच है वो किसको बताता है, जर्मन जर्मन के एक जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को बताता है। क्राउन ओक लीव्स का जो क्राउन है वो हीरोइज्म को बताता है। सोवार्ड रेडलीनेस टू फाइट, यानी जो तैयारी है फाइट की, जो तैयारी है उसको बताता है। देन ओलिव ब्रांच अराउंड द सवार्ड, जो तलवार है तलवार पर लिपटी हुई जो ओलिव्स की डालियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, वो किस चीज़ को बताता है, वो शांति को, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति की जो चाह होती है, चाहत जो होती है उसको बताता है। ब्लैक रेड और जो गोल्डन ट्री कलर है वो फ्लैग है जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उनका, और बैंड बाय द जर्मन स्टेट, जिसको जर्मन स्टेट ने जो है बैन कर दिया गया था। उसके बाद देन रेज ऑफ राइजिंग सन, रेज ऑफ राइजिंग सन जो है वो किसके बारे में बताती है, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए एरा की शुरुआत के बारे में बताती है। नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेशनलिज्म की डेफिनेशन हम पढ़ ही चुके हैं कि क्या होता है, कि अपनी नेशन जो है अपनी नेशन के लिए जो हमारा पैट्रियट की फीलिंग होती है, देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो हमारा नेशनलिज्म कहलाता है। जो 19th सेंचुरी थी, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी के लास्ट में उसके क्वार्टर में जो हम देखते हैं वहाँ तक जो नेशनलिज्म था, एक क्या हो गया था, नेशनलिज्म नो लोंगर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। यानी नेशनलिज्म का वो जो आइडियोलॉजिकल उनका जो आइडियोलॉजिस्ट जो था, आइडियोलॉजिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक जो उसका रूप था वो नहीं रहा था, जो हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। मीन्स 19th सेंचुरी जो स्टार्टिंग है फर्स्ट पार्ट की बात हम करें तो वहाँ पर जो नेशनलिज्म का रूप देखने को मिला वो अब चेंज हो गया था। अब क्या था, जो नेशनलिज्म था, ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। यानी अब जितने भी ये जो टाइम, इस टाइम में जो जितने भी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे वो एक दूसरे के प्रति अब कैसे हो चुके थे, वो एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंट हो चुके थे। ठीक है, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख सकते थे और लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। इसके साथ ही जो यूरोपियन पावर्स थी, यूरोपियंस पावर ने भी अपने जितने भी उनके इंपीरियलिस्ट एम जो थे उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो नेशनलिंग फीलिंग जो थी, उनका नेशनलिस्ट एस्पिरेशन जो था उसका उन्होंने यूज़ किया।
ठीक है, यानी यूरोप में भी अब इस तरीके की होने लगा था कि जो नेशनलिस्ट थे उनकी फीलिंग्स का वो यूज़ कर रहे थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 के बाद यूरोप में जो नेशनलिस्ट का जो टेंशन थी उसका स्रोत कौन बन गया था, वाज द एरिया कॉल्ड बालकान, एक ऐसा एरिया जिसको बालकान के नाम से जाना जाता है। मीन्स अगर हम कहें कि 1871 में यूरोप में जो नेशनलिस्ट टेंशन थी उसका मेन रीज़न बालकान बन गया था। बालकान क्या कौन था, बालकान क्या था, बालकान वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्रेसिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोटेरिया, बोस्निया और हर्जोगोविनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेस्को, हु इनहेबिटेंट वर ब्रॉडली नाउन एज द स्लेव्स। यानी जो ये बालकान था, बालकान एक ऐसा ज्योग्राफिकल और एथिक वेरिएशन यानी जहाँ पर बहुत सारी जातियाँ देखने को मिलती है, जातीय विभिन्नता वाला एरिया था, और जिसमें इस टाइम के अब जो कंट्रीज़ हैं यानी जिसमें कौन कौन से उस टाइम में कौन सी कंट्री थी जिनको हम मॉडर्न डेज में रोमानिया के नाम से जानते हैं, बुल्गेरिया, अल्बेनिया, यूना जो ग्रीस थी, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविनिया, स्लोविया, सर्बिया और मॉन्टेग्रो, ये सारी जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उस टाइम में ये आपकी बालकान रीजन में इंक्लूड होती थी। अ लार्ज पार्ट ऑफ बालकान वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और जो बालकान था उसका बहुत बड़ा एरिया किसके कंट्रोल में था, ओटोमन एम्पायर के, ठीक है। और यानी द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बालकान टुगेदर विद डिस्टिंग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड रीजन वेरी एक्सप्लोरेसिव, और जो ये ओटोमन यानी ये जो बालकान था, बालकान में जो रोमांटिसिज्म नेशनलिज्म था उसके विचारों को फैलाने और ओटोमन जो एम्पायर था उसको उसके ख़त्म होने से जो ये स्थिति थी, स्थिति बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गई थी यानी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, ठीक है। एक्सप्लोसिव मतलब उसका विस्फोटक हो गई थी। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ओटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। यानी 19th सेंचुरी में जो ओटोमन एम्पायर थे उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए और अपनी जो इंटरनल रिफॉर्म्स थे अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे, लेकिन उनके उनमें से क्या था या जो इनमें से बहुत कम जो लोग हैं उनको इसमें सक्सेस मिले। मीन्स 19th सेंचुरी में जो ओटोमन एम्पायर था उसने अपने आप को जो है ओटोमन एम्पायर ने अपने आप को अपना मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की, अपने आप को मजबूत कराने जो करने की कोशिश की, बट क्या था उसमें से बहुत कम लोग ही इस चीज़ को अचीव कर पाए। एक के बाद एक जो वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, यानी जो एक के बाद एक उसके जितने भी यूरोपियन नेशनलिस्ट थी उसके चंगुल से निकलकर उन सब ने अपने आप को क्या है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और उसके बाद जो बालकान थे, बालकान के जो पीपल थे, बालकान ने भी आज़ादी या फिर उन्होंने जो इंडिपेंडेंट थी इंडिपेंडेंट के लिए जो पॉलिटिकल राइट्स जो थे जो उनके पॉलिटिकल राइट्स थे उनके लिए अपने जो उन्होंने दावा किया था, ठीक है, उन्होंने नेशनलिस्ट राइट के लिए उन्होंने जो दावा किया था उसको एक नेशनलिज्म का उन्होंने उसको आधार बनाया। एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव डैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, और उन्होंने ये सिद्ध करने जो उन्होंने जो हिस्ट्री थी इस हिस्ट्री का यूज़ ये प्रूव करने के लिए किया कि वे क्या थे, वे उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया, सॉरी वे कभी भी क्या थे इंडिपेंडेंट थे। लेकिन उसके बाद में जो
फ़ौरन जो पावर्स थी, जो विदेशी जो कंट्रीज थी, उन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। मीन्स उन्होंने ये दिखाते थे वो अपने आप को कि हम ये दिखाने की कोशिश की हम पहले से इंडिपेंडेंट थे, बट जो फ़ौरन पावर्स थी उन लोगों ने हमको अपने कंट्रोल में कर लिया। हैंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन बालकान थ्रोट देयर स्ट्रगल एज अटैम्प्ट टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। और लास्ट में क्या, जो बालकान रीजन थे, बालकान रीजन के जितने भी जो स्ट्रगल जो यानी रिबेलियस नेशनलिस्ट जो थे, जो विद्रोही नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थे, समूह जो थे, उन्होंने अपने बहुत लंबे स्ट्रगल उन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया और बहुत लंबे समय से जो उनकी आज़ादी को वापस लाने का प्रयास था वो देखा गया। मीन्स बहुत लंबे स्ट्रगल्स के बाद वो अपनी इंडिपेंडेंस को वापस लाना चाहते थे। एज डिफरेंट स्लेविक नेशन, जो जैसे कि अलग अलग स्लेविक नेशन जो थे, स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। अलग अलग जो स्लाव नेशन थे, स्लाव जो नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपनी पहचान और अपनी जो इंडिपेंडेंट थी उसको डिफाइन करने की कोशिश की, उसको निश्चित करने की कोशिश की। बालकान रीजन में बहुत गहरे टकराव जो थे वहाँ होने लगे। मीन्स अब बालकान स्टेट जो थे, बालकान एरिया बिकम एन एरिया टू इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। कैसा होने लगा, वो एक ऐसा एरिया बन गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा टकराव होते थे, मतभेद होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी। बालकान स्टेट पर फेरेबली जेलस टू ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। जो बालकान स्टेट थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी करते थे और हर एक स्टेट अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एरिया हथियाने की जो है उम्मीद रखते थे। मीन्स वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। मैटर वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और जो मैटर था ये दोबारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि बालकान जो एरिया था, बालकान रीजन में बड़ी शक्तियों के बीच कंपटीशन होने लगा था। अब जो थी जो बालकान जो एरिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बिग पावर्स जो थी, जैसे कि यूरोप में इसी टाइम में हम देख सकते हैं कि देयर वर इंटेंस राइवलरी अमोंग यूरोपियन पावर। मतलब जो इसी टाइम में हम देखेंगे यूरोपियन पावर के बीच जो था वहाँ पर जो अपना ट्रेड या अपनी कॉलोनीज़ के साथ वो उनकी अपनी जो आर्मीज थी, ठीक है, एज़ वेल एज़ नेवल एंड मिलिट्री, अपनी नेवल और मिलिट्री जो पावर्स थी उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा क्या था, कंपटीशन देखने को मिलता था, ठीक है, वो उनको भी बढ़ाना चाहते, इस चीज़ को भी लेकर होड़ थी। देयर रिवाइल्स वर वेरी एविडेंट इन द वे द बालकान प्रॉब्लम अनफोल्ड। और जो रिवाइल्स थे, यानी ये जो जितने जो बालकान को लेकर ये जो जितने भी रिवाइल्स थे, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ गई। यानी जैसे जैसे जो बालकान की जो प्रॉब्लम थी वो बड़ी, वैसे ही इनमें भी जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आने लगा। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी जो थे, इनकी जो पावर थी वो बालकान पर बाकी शक्तियों की जो पकड़ थी उसको कमज़ोर करके ये अपने आप को, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। मतलब जो ये रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी थी, ये बाकी जो पावर थी उन जो जिनका बालकान में क्या था, होल्ड था, उनको कम करके ये अपना प्रभाव वहाँ चाहती थी। और इसी तरीके से इसी कारण से ये जो इलाका था, इस एरिए में बहुत सारे युद्ध भी हुए और लास्ट में फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ। देन नेशनलिज्म एलिगेंट विद इंपीरियलिज्म। जो नेशनलिज्म एलिगेंट है, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म लीड यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914 में नेशनलिज्म ने यूरोप को एक बहुत से बहुत बड़े जो है संकट में डाल दिया था। लेकिन बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज बाय द यूरोपियन पावर इन 19th century बिगन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेंट। यानी इस ये जो
एरिया था इस टाइम में, इसी बीच जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड के बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ ने जिनका 19वीं सेंचुरी में यूरोप में क्या होने लगा था, उनका यूरोपियन पावर्स ने उनको जो है उनको अपोज करने लगी थी, ठीक है, जो उनका क्या करने लगी थी वो उनको कॉलोनाइज्ड हो चुकी थी, वो उनको कॉलोनाइज्ड कर दिया था टू अपोज इंपीरियल डोमिनेंस। और उन्होंने उसके बाद जो इंपीरियलिज्म था, जो इंपीरियल डोमिनेंस था उनका, इंपीरियल डोमिनेंस का उन्होंने अपोज करने लगा, चारों तरफ जो था एंटी इंपीरियल मूवमेंट स्टार्ट होने लगे थे। द एंटी इंपीरियल मूवमेंट दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, जो चारों तरफ जो एंटी इंपीरियल मूवमेंट थे उनका डेवलप होने लगा था, और इस तरीके से जो नेशनलिस्ट थे वे भी अब एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का जो है उससे इंस्पायर हो चुके थे, और वो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट का निर्माण करने के लिए अब वो भी स्ट्रगल करने लगे थे। वो भी एक चाहते थे कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बने। वे सभी जितने भी ग्रुप थे वे सभी एक सामूहिक नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी, यूनिटी की जो फीलिंग थी उससे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। कलेक्टिव जो नेशनलिस्ट यूनिटी थी उससे इंस्पायर थे बहुत ज़्यादा, और जो नेशनलिज्म विरोध की जो प्रक्रिया थी वो यहीं से उभरती है, ठीक है। यानी उनके अंदर जो ये कॉमन जो उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, कलेक्टिवली नेशनल यूनिटी जो थी वो उनके अंदर जो इंपीरियलिज्म था उसी के विरोध की प्रक्रिया में उभरी थी। उनके अंदर नेशनलिज्म तभी आया था, जो नेशनलिस्ट है यूरोपियन आइडिया उस नेशनलिज्म वर नाउ वर रिप्लिकेटेड फॉर पीपल वेयर एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। अब क्या था कि जो नेशनलिस्ट थे नेशनलिज्म के यूरोपियन जो विचार थे वो कहीं और नहीं रिपीट किए गए थे, क्योंकि हर जगह क्या था, जो लोग थे हर तरह की अपने अलग अलग लोगों ने अलग अलग नेशनलिज्म की जो वैरायटी थी वो उनको विकसित किया, मतलब हर जगह नेशनलिज्म की जो भावना थी वो हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। बट द आइडिया डेट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इंटू नेशन स्टेट केम टू बी एक्सप्रेस्टेड एज नेचुरल एंड द यूनिवर्सल। यानी हम ये देखते हैं, लेकिन ये जो विचार था, ये विचार कि सोसाइटी को एक नेशन स्टेट के रूप में बनाया जाए, सोसाइटी एक नेशन स्टेट के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, अब ये स्वाभाविक अब क्या हो चुका था, ये स्वाभाविक हो चुका था और यूनिवर्सल हो चुका था। यानी हर जगह अपने आप ही इस तरीके की जो फीलिंग्स थी वो आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स।